हाँ जी, क्या हाल है? तो दिस इज़ अ वीडियो ऑन कंट्रोल अकाउंट्स एंड देयर रिकंसिलिएशन, बेसिकली ऑन द रिकंसिलिएशन, नॉट ऑन द कंट्रोल अकाउंट्स. तो यू हैव टू लुक एट द कंट्रोल अकाउंट्स फॉर्मेट्स एंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि है. और बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स थी रिकंसिलिएशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स में, क्योंकि हमने एंड में किया था जल्दी जल्दी. तो आई थॉट आई वुड मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड मे बी आई कैन शेयर दिस विद यू गाइस एंड यू नो That might help you guys. तो शुरू करते हैं. So this is recon of control accounts with ledger. Now it can be either sales ledger or it can also be purchase ledger, depending upon which control account we are trying to reconcile. कि हम कंट्रोल अकाउंट परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को रिकंसाइल कर रहे हैं या सेल्स लेजर को कंट्रोल अकाउंट को रिकंसाइल कर रहे हैं. तो इन माय वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल्स लेजर. द बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम फॉर परचेज लेजर, सो यू कैन हैंडल दैट. थोड़ा सा मुझे आपको पहले एक्सप्लेन करना है द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स लेजर एंड the sales ledger control account. अच्छा, इस sales ledger control account को we'll also be calling SLCA. और sales ledger को हम या तो sales ledger बोल सकते हैं या we can also call it list of trade receivables. ये मैं आपको भी पूरा समझाता हूँ कि क्यों इसको list of trade receivables. तो पहले डिस्कस करते हैं कि इनमें डिफरेंस है क्या सेल्स लेजर में और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में. देखें, सेल्स लेजर तो हर बिज़नेस बनाता है. देखो, सेल्स लेजर वो लेजर होता है, पहली तो बात चलें लेजर क्या होता है. लेजर वो जगह होती है जहाँ पे बिज़नेस अपने टी अकाउंट्स बनाता है. तो सेल्स लेजर वो जगह होती है. देखो, तीन लेजर होते हैं, जनरल लेजर, सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर. जनरल लेजर में हम सारे अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे सेल्स का, परचेज का, कैपिटल का, एक्सपेंसेस का, इनकम्स का, एसेट्स का. लेकिन सेल्स लेजर सिर्फ डेडिकेटेड होता है, इसके अंदर हम बनाते हैं अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल्स. आई एम जस्ट राइटिंग TR. जितने लोग मुझे जानते हैं वो समझते होंगे TR क्या होता है. सो अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल्स आर मेड इन द सेल्स लेजर. मतलब कि जैसे अगर हमारे कस्टमर्स हैं, जैसे लेट्स से अब्दुल्ला हमारा कस्टमर है, तो अब्दुल्ला का जो अकाउंट होगा ना, जो उसका टी अकाउंट होगा, जो यूं फंक्शन कर रहा होगा, उसमें ये प्लस होगा ये माइनस होगा, बिकॉज अब्दुल्ला का अकाउंट है. तो उसका अकाउंट हम सेल्स लेजर के अंदर बनाएंगे और उसके अकाउंट में हम जो उसको सेल्स करेंगे वो लिखेंगे, जो वो हमें सेल्स रिटर्न कर देगा उसको हम इधर लिख देंगे. अगर हमने उसको कोई डिस्काउंट दिया तो हम इधर लिख देंगे. अगर उसने हमें पैसे दिए, बाय द वे पैसे देगा तो हम डिस्काउंट देंगे, तो हम उसको इधर लिख देंगे. इसी तरह अगर हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करें तो हम इधर लिख देंगे. इफ़ यू नोटिस, दिस फॉर्मेट इज़ 100% सेम एज द फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल अकाउंट. ये मेरे घर में वही कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं क्या करूँ. खैर, तो वही चीज़ होती है, बट सेल्स लेजर के अंदर हम सिर्फ अकाउंट में उस बंदे की ही चीज़ें लिखते हैं. ठीक है, अब जैसे सिर्फ अब्दुल्ला नहीं होगा, अब मेरे पास और सेल्स लेजर में लेट से अदा सागर भी है अगर, तो फिर सागर का अकाउंट भी यूं ही बनेगा. उसमें भी ये सेल्स होंगी, इंटरेस्ट होगा, सेल्स रिटर्न होंगी, बैड डेट हो गया अगर तो वो इधर आ जाएगा. या इसमें फिर एक और भी अकाउंट हो सकता है, बैड डेट से याद आया, वी कैन हैव लाइक हसन अल्लाह वाला अकाउंट. सो हसन का जो अकाउंट होगा वो हम वो भी इधर बनेगा और उसमें भी यही सब कुछ होगा. इवेंचुअली अगर आप देखो तो हर अकाउंट का एक बैलेंस कैरी डाउन होगा, अनलेस वो बंदा बैड डेट हो गया, लेकिन हर अकाउंट का एक बैलेंस कैरी डाउन विल बी देयर, राइट? देयर हैज़ टू बी अ कैरी डाउन इन एवरी अकाउंट. तो वो जो कैरी डाउन होते हैं, ये
और ये इन सारे कैरेट डाउन्स को हम एक समरी बना देते हैं और एक लिस्ट बना देते हैं कि भाई अब्दुल्ला ने इतने पैसे देने हैं, सागर ने इतने पैसे देने हैं, हसन ने इतने पैसे देने हैं, एंड यू माइट इवन हैव लाइक 500 कस्टमर्स. तो ऐसे 500 अकाउंट्स बनेंगे और उन सब के सीडी बैलेंसेस ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि उस बंदे से हमने अभी भी इतने पैसे लेने हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स. ओके, सो बिजनेसेस क्या करते हैं, जब उनको पता करना होता है कि उनके टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, तो वो अपने सेल्स लेजर में जाते हैं और सेल्स लेजर के हर अकाउंट को देखते हैं, उसका सीडी निकालते हैं, ठीक है, और उस सीडी को एक लिस्ट में फॉर्म कर देते हैं जिसको वो लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं. और वो लिस्ट लिटरली, वो जो लिस्ट होती है, इट लुक्स लाइक दिस, लाइक द लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स वुड लिटरली हैव अब्दुल्ला एंड देन हिज अमाउंट, हिज फाइनल सीडी, देन सागर हिज फाइनल सीडी, एंड यू नो थिंग्स लाइक दिस. फाइनल बैलेंस होगा बंदे का, सबको ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमने सबसे मिला के कितने पैसे लेने हैं. नोटिस, दिस इज़ डिफरेंट देन सेल्स जर्नल. सेल्स जर्नल भी बिल्कुल इसी तरह होता है, वो भी एक लिस्ट होती है, लेकिन उसमें हम सिर्फ लिखते हैं कि हमने उस बंदे को सेल कितनी करी है. लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड में बनती है जब सेल्स लेजर बन जाता है, जब हमें पता होता है कि इससे इतने पैसे लेने, इससे इतने पैसे लेने, इससे इतने पैसे लेने, ठीक है. तो दैट्स वन वे ऑफ फाइंडिंग योर ट्रेड रिसीवेबल्स थ्रू द सेल्स लेजर. ठीक है, अभी तक मैंने कंट्रोल अकाउंट को डिस्कस ही नहीं किया, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल अकाउंट क्या होता है. ओके, सो द कंट्रोल अकाउंट इज ऑल्सो लाइक, इट्स जस्ट लाइक सेल्स लेजर, बट सेल्स लेजर में हमने सिर्फ अब्दुल्ला की को जो सेल्स करी थी वो लिखी थी अब्दुल्ला के अकाउंट में. सो सेल्स लेजर में मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं. कंट्रोल अकाउंट खुद ही एक अकाउंट होता है जो बनता बाय द वे जनरल लेजर में है, सही है, क्योंकि वो कंट्रोल अकाउंट कोई हमारा कस्टमर नहीं है. ठीक है, हमारे कस्टमर जो हैं वो अब्दुल्ला, हसन और ये लोग हैं. ठीक है, तो जो कंट्रोल अकाउंट होता है उसमें हम ये करते हैं, ये इसका मेन मकसद होता है चेक करना कि जो सेल्स लेजर में एंट्रीज हैं वो सही हैं या वो गलत हैं, या उनमें कोई एरर तो नहीं है. इससे चेक कैसे हो जाएगा, तो हम ये करेंगे, कंट्रोल अकाउंट को हम जर्नल्स से बनाते हैं. अब जर्नल्स होते क्या हैं, जैसे बेटा देखो, एक होता है सेल्स जर्नल. अब मैंने जैसे बोला था इसकी लिस्ट ऑफ डेटर्स जैसी शक्ल होती है, बट सेल्स जर्नल जो होता है उसके अंदर हम लिटरली सेल्स लिखते हैं क्रेडिट की. जैसे हमने अगर अब्दुल्ला को सेल्स करी तो हमने जितनी उसको सेल्स करी वो इधर आ जाएंगी, फिर जो सागर को सेल्स करी जितनी करी वो इधर आ जाएंगी. सिर्फ सेल का अमाउंट, वो अमाउंट नहीं जो उसने देना है, मतलब आई नो सेल का अमाउंट भी उसने हमें देना है, लेकिन लिस्ट ऑफ डेटर्स में उस सेल के अमाउंट में से सेल रिटर्न माइनस हो जाती है, डिस्काउंट माइनस हो जाता है, बैंक माइनस हो जाता है, जो उसने दे दिया वो तो खत्म हो जाता है ना, जो बच जाता है वो जाता है. ये तो इनिशियल एंट्री है, मतलब जब पहली दफ़ा अब्दुल्ला को सेल्स करी तो हमने सेल्स जर्नल में लिखा भाई हमने ये इतने की सेल्स करी है. तो इसका फिर इवेंचुअली एक टोटल निकलता है जिसको हम टोटल क्रेडिट सेल्स बोलते हैं. तो ये जो टोटल क्रेडिट सेल्स होती हैं इनको हम सीधा कंट्रोल अकाउंट में डाल देते हैं, और ये जो अब्दुल्ला की सेल्स हैं ये अब्दुल्ला के अकाउंट में डाल देते हैं, दैट्स इन द सेल्स लेजर. जो सागर की सेल्स हैं वो सागर के अकाउंट में डाल देते हैं, दैट्स ऑल्सो इन द सेल्स लेजर. इसी तरह जो हसन की सेल्स हैं एंड सो ऑन. एंड सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में हमने सेल्स तो नहीं लिखनी ना, हमें तो उसमें सेल्स रिटर्न भी लिखनी है. तो सेल्स रिटर्न कहाँ से आती हैं, वो सेल्स रिटर्न जर्नल से आ जाती हैं. उसमें भी अगर किसी ने कुछ वापस किया होगा तो इधर जाएगा, फिर उसका जो टोटल होगा वो कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसके कंट्रोल अकाउंट में हम हर जर्नल से, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, कैशबुक में जितने डिस्काउंट दिया होगा वो होगा, जितने उनसे पैसे मिले होंगे वो होगा, उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ की जगह टोटल वैल्यूज़ को हम कंट्रोल अकाउंट में डाल देते हैं, और इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम उनके सेल्स लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट्स में डाल देते हैं. और इवेंचुअली हम जब कंट्रोल अकाउंट का सीडी निकालते हैं, जो ये होता है, इट शुड मैच विद ऑल आर सीडीज इन द सेल्स लेजर, या सिंपली जो हमने सेल्स लेजर के बाद लिस्ट ऑफ डेटर्स बनाई होगी उसका जो टोटल है उसके साथ मैच करना चाहिए ये वाला सीडी. तो अब मैं मेन चैप्टर पे आता हूँ कि है क्या. तो इस चैप्टर में है ये कि वो आपको सिचुएशन देगा, या तो पहले बोलेगा एक कंट्रोल अकाउंट बनाओ. आपने कंट्रोल अकाउंट बनाया, उसका एक बैलेंस आ गया, फिर वो आपको बोलेगा लेकिन इस बिज़नेस ने जब अपना सेल्स लेजर बनाया वो नहीं आपसे बनवाएगा, क्योंकि लाइक आई सेड सेल्स लेजर में तो 10,000 अकाउंट्स भी हो सकते हैं. तो वो आपको बस ये बोल देगा, जब उन्होंने अपना सेल्स लेजर बनाया तो
उससे जब उन्होंने लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स बनाई तो उस लिस्ट का जो टोटल आ रहा था वो कुछ और था। लेकिन अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आई हो तो वो सेम होना चाहिए, वो यही होना चाहिए जो कंट्रोल अकाउंट बता रहा है। क्यों? बिकॉज कंट्रोल अकाउंट में टोटल्स वैल्यूज आ रही है और इंडिविजुअल अकाउंट में इंडिविजुअल वैल्यूज आ रही है और इवेंचुअली हम सारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हैं, तो इट शुड बी इक्वल। लेकिन वो इक्वल नहीं होगा। जैसे आपने कंट्रोल अकाउंट पहले बनाया नॉर्मल वाला, उसका बैलेंस लेट से 20,000 आ गया, लेकिन वो बोलेगा लेकिन इसकी सेल्स लेजर की जो बैलेंसेज हैं या जो लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स के बैलेंसेज हैं वो 20,000 नहीं है, वो उससे कम है या ज़्यादा है। फिर वो बोलेगा कुछ गलतियाँ हुई हैं, अब उन गलतियों को ठीक करो। जैसे अगर नवंबर, आई विल जस्ट टेल यू सम क्वेश्चंस व्हिच यू शुड सॉल्व आफ्टर दिस। नवंबर 11 है, जून 13 है, इसमें वेरिएंट 23 है, इसमें वेरिएंट 22 है, नवंबर 04 में भी है वेरिएंट 2, और फिर एक मेरी जो बुक लगी हुई है ड्रॉप बॉक्स पे उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी हैं, उनके आंसर्स तो हैं, एक दो चैप्टर्स के नहीं हैं यार उनको छोड़ो। एंड वी ऑल्सो हैव लाइक अ क्वेश्चन इन आर स्पेसिमिन पेपर। अच्छा, इन क्वेश्चन में वो बोलता क्या? तो या तो आपसे कंट्रोल अकाउंट बनवाएगा, या वो ये भी करेगा कि भाई कंट्रोल अकाउंट का ये बैलेंस है और आपके सेल्स लेजर का ये बैलेंस है, दोनों डिफरेंट हैं, आप दोनों को ठीक करो, और वो एरर्स दे देगा। तो अब जो एरर्स होते हैं वो मेनली चार तरह के होते हैं, जिनकी वजह से, या जो आपको रिकनसाइल करते वक्त जहन में रखने हैं, एज एन यू हैव टू फैक्टर देम इन वंस यू आर सॉल्विंग द रिकनसिलिएशन क्वेश्चंस। तो अगर उसने कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, या आपने अगर कंट्रोल अकाउंट बना लिया, तो उसके बाद आपको एक करेक्टेड कंट्रोल अकाउंट बनाना होगा और एक आपको स्टेटमेंट बनानी होगी जिसमें आप सेल्स लेजर के जो बैलेंसेज हैं उनको ठीक करोगे, मतलब जो इंडिविजुअल अकाउंट्स का टोटल है उनको ठीक करोगे। तो खैर, जो चार तरह के एरर्स होते हैं उनमें दो एरर्स तो ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम रिकनसिलिएशन नहीं कर रहे। हाँ जी, शोर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है यार, तो आई हैव ट्राइड के कम हो। खैर, तो क्या बात हो रही थी, चार तरह के एरर्स होते हैं। सो दीज फोर टाइप्स ऑफ एरर्स आर द फर्स्ट टू आई वाज सेइंग के दे विल नॉट, उनकी वजह से रिकनसिलिएशन नहीं हो रही, मतलब ये ऐसे एरर्स होंगे जो हम करेंगे तो उसमें हमारा सेल्स लेजर भी गलत होगा और हमारा कंट्रोल अकाउंट भी गलत होगा। मतलब द डिफरेंस इज नॉट, द डिफरेंस इन द सेल्स लेजर बैलेंसेज एंड कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इज नॉट बिकॉज ऑफ दीज एरर्स, क्योंकि ये तो इनमें तो दोनों गलत होते हैं। तो इनमें एक होता है कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री, नॉट कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ बैलेंस। अगर बोले ना अ बैलेंस वॉज ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स लेजर, तो फिर तो वो तो जाहिर सी बात है सेल्स लेजर में ही जाएगा, क्योंकि एक सेल्स लेजर का एक इंडिविजुअल बैलेंस है जो हमने सेल्स लेजर में इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो वो कंट्रोल अकाउंट में नहीं जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट ओमिशन, मतलब आपने एंट्री कंप्लीटली ओमिट कर दी। जैसे आपने किसी को सेल्स करी और वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अगर वो रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, तो दैट मीन्स आपकी टोटल सेल्स भी गलत हैं। देखो, जब भी टोटल गलत होगा कंट्रोल अकाउंट हैज़ टू बी रॉन्ग। ये एक चीज़ और लिख लेते हैं, सी इफ टोटल इज़ रॉन्ग देन योर कंट्रोल अकाउंट इज़ रॉन्ग, एंड इफ़ ओनली द टोटल इज रॉन्ग देन द ओनली द कंट्रोल अकाउंट इज रॉन्ग, वो जो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। बट इफ इंडिविजुअल अकाउंट इज रॉन्ग तो देन दैट गोज इन योर सेल्स लेजर, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो कंप्लीट ओमिशन में तो ऑब्वियसली ना वो टोटल में गया ना वो इंडिविजुअल में गया, ओके। फिर एक होता है ओरिजिनल एंट्री का एरर, जिसका मतलब है भाई मैंने आपको 500 की सेल्स करी, लेकिन मैंने उसको अपने सेल्स जर्नल में, जो मैंने आपको पीछे बनाया था, जो पहली दफ़ा बनाते हैं, अब्दुल्ला को 500 की सेल्स करी लेकिन सेल्स जर्नल में 5,000 लिख दिया, तो अब्दुल्ला ने तो मुझे 500 ही देने हैं ना, 5,000 तो नहीं देने। तो अगर मैंने सेल्स जर्नल में ही 5,000 लिख दिया, दैट मीन्स कि उसके अकाउंट में भी 5,000 गया होगा, और जब उसके अकाउंट में 5,000 गया तो आपका सेल्स लेजर गलत हो गया, इंडिविजुअल अकाउंट गलत हो गया, और जब हमने सेल्स जर्नल में ही 5,000 लिखा तो दैट मीन्स हमने अपनी टोटल सेल्स में भी 5,000 डाल दिया, बिकॉज जर्नल के थ्रू ही टोटल निकलता है और जर्नल के थ्रू ही वैल्यू इंडिविजुअल अकाउंट में जाती है। तो अगर हमने जर्नल में ही एंट्री गलत कर दी या नहीं करी विच इज़ दिस, और गलत कर दी विच इज़ दिस, मतलब वैल्यू गलत डाल दी, तो आपका दोनों गलत हो जाएंगे। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, कंप्लीट ओमिशन में बोलेगा अ सेल्स इनवॉइस हैज़ बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, तो आप उसको अपने करेक्टेड कंट्रोल अकाउंट में भी डालोगे और अपनी जो रिकनसिलिएशन की लिस्ट होती है
जो लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उनमें भी एडजस्ट करोगे। अगर ओरिजिनल एंट्री का एरर है, मतलब वो कह रहा है भाई जर्नल में गलत लिख दिया, तो वो भी दोनों में जाएगा। फिर एक होता है कास्टिंग एरर। अब इसमें भी आपने थोड़ा सा ना ख्याल ये रखना कि इट्स कास्टिंग एरर ऑफ इन जर्नल, मतलब आपने जर्नल में जहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी हुई होती है उसमें कास्टिंग एरर कर दिया। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, आपने टोटलिंग गलत कर दी उस जर्नल में। जैसे आपने डिस्काउंट अलाउड के कॉलम को टोटल गलत कर दिया, तो उसका जो टोटल है उसने तो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में ही जाना है ना। इंडिविजुअल एंट्री अगर जर्नल में सही है लेकिन आपने टोटल गलत कर दिया, तो ही माइट से द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हैज़ बीन ओवरकास्ट और द सेल्स हैज़ बीन अंडरकास्ट और द सेल्स रिटर्न। मतलब उसमें कोई ये मेंशन नहीं होगा कि किसी बंदे के अकाउंट में गलती है। तो जब सिर्फ टोटल गलत होता है ना, सिर्फ टोटल कास्टिंग में, दिस ओनली अफेक्ट्स योर कंट्रोल अकाउंट। तो ये सिर्फ कंट्रोल अकाउंट को अफेक्ट करता है, ये दोनों को अफेक्ट करते हैं। और फिर आपका एक एरर होता है जो आखिरी एरर होता है, जिसको बोलते हैं पोस्टिंग एरर। ये वो बोलेगा हमने सेल्स करी, सेल्स जर्नल में लिखा, या वो ये नहीं भी बताया कि सेल्स जर्नल में लिखा, तो हम अस्यूम करेंगे सेल्स जर्नल में तो लिखा ही होगा जब सेल्स करी है। बट इट वॉज नॉट पोस्टेड टू अब्दुल्लाज अकाउंट, बट इट वॉज नॉट पोस्टेड टू हसन अकाउंट। तो जहाँ पर भी एक इंडिविजुअल अकाउंट हो रहा होगा, हसन्स या डेटर्स या रिसीवेबल्स अकाउंट, जब वो बोलेगा तो उसका मतलब होता है कि भाई आपका कंट्रोल अकाउंट सही है, क्योंकि आपका टोटल तो सही होगा, जर्नल में एंट्री सही है, लेकिन जब उस बंदे के अकाउंट में वो वैल्यू जा रही थी, रिमेंबर देयर वर अकाउंट्स इन द सेल्स लेजर लाइक हसन, उसके अकाउंट में ये एंट्री जानी चाहिए थी, मतलब हमें उसको डेबिट करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, या हमें उसको क्रेडिट करना चाहिए था, उसने पैसे दे दिए हमने कैश बुक में लिख दिया। जब कैश बुक में लिख दिया तो आपका कंट्रोल अकाउंट सही हो गया क्योंकि वो रिसीप्ट में आ गया आपकी, लेकिन हमने उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं किया। तो वेन एवर देयर इज अ मिस्टेक इन इंडिविजुअल अकाउंट, या ही माइट इवन से अ डेटर्स अकाउंट या अ ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट वॉज अंडरकास्ट बाई दिस अमाउंट। सो वेन एवर देयर इज मसला इन वन अकाउंट, या तो हमने उसमें अमाउंट पोस्ट गलत की हो, या उस अकाउंट के अंदर ही हमने टोटलिंग की मिस्टेक कर दी हो, तो क्योंकि उस अकाउंट ने जाना है लिस्ट ऑफ डेटर्स में या लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल में, तो दैट्स वाई दिस विल नॉट अफेक्ट कंट्रोल अकाउंट, दिस विल ओनली अफेक्ट योर सेल्स लेजर या लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। और वैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन में वो एरर इन चारों में कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा, क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, जैसे अ बैलेंस वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, तो फिर उसको आप लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब सेल्स लेजर में डाल दोगे। या वो बोले अ बैड डेट वॉज रिटन ऑफ इन द सेल्स लेजर बट नॉट इन द कंट्रोल अकाउंट, तो आप उसको कंट्रोल अकाउंट में डाल दोगे। सही है। तो इस बात की जो पूरी समरी है वो ये है कि हम जब एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, तो हम एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट में पहले तो शुरू करेंगे जो गलत कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है उससे। जब गलत कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस से शुरू करेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो हमने बनाया होगा, और फिर उसका जो सीडी होगा वो उसका बीडी हो जाएगा। फिर जो भी मसले टोटल के मसले होंगे, मतलब या तो वो ओरिजिनल एंट्री हो, या वो कंप्लीट ओमिशन हो, या वो कास्टिंग हो, मतलब किसी जर्नल में कास्टिंग हो, तो उसको हम कंट्रोल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट में भी मसला होता है कि डेबिट पे एडजस्ट करें या क्रेडिट पे एडजस्ट करें। तो देखो, अगर उस एंट्री की वजह से आपकी डेबिट साइड को बढ़ाना होगा तो आप डेबिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोले सेल्स आपने अंडरकास्ट कर दिए हैं, तो अगर आपको बताओ कि हम सेल्स कंट्रोल अकाउंट में इधर लिखते हैं, तो अगर हमने सेल्स को अंडरकास्ट किया है मतलब कम लिखा हुआ है इस साइड पे, तो आप इसी साइड पे और लिख दोगे। लेकिन अगर वो बोले सेल्स को हमने ओवरकास्ट किया है, मतलब ये वाली जो सेल्स जो हमने पिछले कंट्रोल अकाउंट में लिखी हुई वो ज़्यादा हैं, तो डेबिट साइड आपने ज़्यादा कर दिए फजूल में, तो फिर आप उसको क्रेडिट साइड पर लिखोगे। बट मगर अगर आपने जैसे लेट से डिस्काउंट अलाउड को अंडरकास्ट किया सिर्फ टोटल को, तो अगर डिस्काउंट अलाउड को अंडरकास्ट किया तो डिस्काउंट अलाउड नॉर्मली इधर आता है, ठीक है। अगर उसको अंडरकास्ट किया तो मतलब इधर ही और लिखेंगे, बट अगर उसको ओवरकास्ट कर दिया तो इधर लिख देंगे ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना अकाउंट में कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा लिख दिया और अगर फिर कम करना हो तो हम अपोजिट साइड से उसको काट देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह
अगर कोई चीज़ कम्प्लीटली ओमिटेड है तो वो तो हम आराम से कंट्रोल अकाउंट में, जैसे अगर सेल्स कम्प्लीटली ओमिटेड है तो डेबिट हो जाएंगी, सेल्स रिटर्न कम्प्लीटली ओमिटेड है तो वो क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। बट वही बात है, अगर टोटल जर्नल का गलत हो, कभी कभी बोलेगा सेल्स रिटर्न को सेल्स की तरह ट्रीट कर लिया, तो फिर तो आपको डबल से इधर से ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री इधर आनी चाहिए, आपने इधर लिख दिया तो फिर आप डबल कर देंगे। सही है, तो ये आपका एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट होगा, उसका एक सीडी आ जाएगा। सही है, ये हमारा आंसर होगा उस पार्ट का। फिर वो बोलेगा कि आपको एक रिकन्सिलिएशन करनी है सेल्स लेजर की विद द कंट्रोल अकाउंट, तो उसमें के लिए एक स्टेटमेंट बनाएगा, बनानी होगी। तो उसमें आप स्टार्ट करोगे विद बैलेंस एज पर सेल्स लेजर, मतलब जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं कस्टमर्स के, उनका जो टोटल है जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ये कंट्रोल अकाउंट से नहीं मिलेगा, ये अलग से क्वेश्चन में दिया होगा, इससे आप शुरू करेंगे। अच्छा, स्पेसिमेन पेपर में जो क्वेश्चन है ना, उसमें उसने ये वाला पार्ट जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो पार्ट होगा ये उसने मांगा ही नहीं था, उसने सिर्फ एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट मांगा। तो हमने फिर एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट बनाया, उसमें हम चेक नहीं कर सकते हमारा आंसर सही है या गलत है, लेकिन जो जिसमें ये दोनों मांगता है, तो आपने बैलेंस एज पर सेल्स लेजर लिखा। फिर आपने क्या किया कि आप देखो कि इंडिविजुअल अकाउंट में मसला है या नहीं है किसी भी वजह से, और ये बात याद रख लो, कंप्लीट ओमिशन और ओरिजिनल एंट्री, मतलब फर्स्ट टाइम जर्नल में एंट्री अगर गलत हुई और अगर ये आपने कंप्लीट ओमिशन किया, तो उससे तो इंडिविजुअल अकाउंट पर फ़र्क पड़ जाएगा इनडायरेक्टली। सही है, तो वो भी इसमें आएगा। और अगर आपने कोई वैसे ही बस इंडिविजुअल अकाउंट में ही सिर्फ मसला किया, जैसे वो बोले इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन अब्दुल्लाज अकाउंट या उमेर्स अकाउंट, तो अगर सिर्फ एरर उधर है तो वो भी इधर ही जाएगा, लेकिन वो फिर कंट्रोल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो वो जो एरर्स होते हैं, अब आपने ये देखना है, जैसे किसी बंदे के अकाउंट से आपने सेल्स ओमिट कर दी, तो आप उसको ऑब्वियसली ऐड करोगे, क्योंकि सेल जब उसके अकाउंट में लिखी जाएगी तो ही विल ओ यू मोर, मतलब आपने जब भी उस बंदे को सही करना है उसके अकाउंट को, अगर आप उसको डेबिट कर रहे हो तो यू ऐड, और क्रेडिट कर रहे हो तो यू माइनस, ठीक है। और अगर कोई चीज़ जैसे ओमिट कर दी अगर लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स में, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो फिर जब आप ये सब कुछ ऐड माइनस कर लोगे तो इवेंचुअली आपके पास एक बैलेंस आएगा, ये बैलेंस मैच करना चाहिए विद दिस बैलेंस, मतलब ये जो दोनों ये हैं ये एरिया एंड दिस शुड मैच एंड दिस शुड बी इक्वल। इफ़ इट इज़ इक्वल दैट मीन्स आपने सारी गलतियाँ ढूंढ ली, जब कंट्रोल अकाउंट की गलतियाँ कंट्रोल अकाउंट में सही करी तो ये आ गया, और जब सेल्स लेजर की गलतियाँ ठीक करी तो ये आ गया। अगर ये मैच नहीं कर रहा हो तो उसका मतलब है कि अभी तक इनको सारे एरर्स नहीं मिले। तो आप अगर कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो मैंने अभी पीछे लिखे थे, और उसमें आप यही करो कि फिगर आउट कि टोटल का मसला है या इंडिविजुअल का मसला है या दोनों का मसला है, ठीक है। सो जस्ट टू गिव यू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, अगर मैं बोलूँ कि अ सेल्स लेजर अकाउंट, तो प्लीज़ ये जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, सर ये तो सेल्स लेजर अकाउंट लिखा कंट्रोल अकाउंट, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड अ सेल्स लेजर अकाउंट इज इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट। सही है, कंप्लीट ओमिशन दोनों में, लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स में कुछ इंक्लूड नहीं किया तो ऑब्वियसली इसमें, और वो क्या बोल सकता है, कभी कभी बोलेगा कि किसी बंदे को हमने डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया, लेकिन सिर्फ उसके अकाउंट में, मतलब इंडिविजुअल अकाउंट में, एक कस्टमर है हमारा, उसको हमने उसने हमें गुड्स वापस किए, हमने उसको डेबिट कर दिया, तो सिर्फ उसी के अकाउंट में गलती करी है ना, तो जब सिर्फ उसी के अकाउंट में गलती करी होगी तो सेल्स लेजर में ही फ़र्क पड़ेगा, कंट्रोल अकाउंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप क्वेश्चंस करें और मेरी वाली वीडियोस देख लीजिएगा, तो आई होप कि कुछ हो सकता है आपका। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।